हेलो गाइस, दिस इज़ अ शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वी एलेट कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी पाठ योजना के बारे में, और आज का टॉपिक है कर्मवीर, जो कि पद्य है, यानी इसको कविता भी आप बोल सकते हैं। तो विषय जो है वो हिंदी पद्य है, प्रकरण जो है वो कर्मवीर है। तो इस तरीके से अगर आपको ये लेसन प्लान बनाना है तो ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल है। या आपको हिंदी का लेसन प्लान कैसे बनाना है, उसका फॉर्मेट चाहिए, फॉर्मेट फिर आपको क्योंकि समझ में आ जाता है, तो उसके लिए ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है हिंदी का पद्य का। तो इस तरीके से आप सबसे पहले दिनांक लिखेंगे, फिर कक्षा लिखेंगे, फिर उसके बाद विषय लिखेंगे, फिर प्रकरण लिखेंगे, फिर चक्र लिखेंगे, फिर अवधि लिखेंगे। फिर उसके बाद गाइस आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, सामान्य उद्देश्य के बाद आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे, विशिष्ट उद्देश्य के बाद में को तीन भागों में डिवाइड करके लिखेंगे। यानी अगर बच्चे को कर्मवीर आप पढ़ा रहे हैं तो उनका ज्ञान के लेवल पर क्या विकास होगा, बोधात्मक यानी कि बोध या समझ या अंडरस्टैंडिंग लेवल पर उनका क्या विकास होगा, कौशलात्मक यानी स्किल उनकी कौन सी डेवलप होगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ लिखना है। फिर यहाँ सहायक सामग्री लिखनी है। फिर गाइस उसके बाद ये पूर्व ज्ञान लिखना है। यहाँ पर पूर्व ज्ञान यानी जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं क्लास में, जो प्रेजेंट करने जा रहे हैं, उससे संबंधित बच्चों को पूर्व जानकारी क्या है, तो इसके बारे में यहाँ थोड़ा सा लिखेंगे। फिर प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन बच्चों से करेंगे आप, और ये जो है ये उनके दैनिक जीवन से संबंधित रहना चाहिए, और ये इसलिए पूछा जाता है ताकि बच्चे के पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को समझाते टाइम या नवीन ज्ञान को देते टाइम, तो नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से अगर जोड़कर बच्चों को पढ़ाया जाता है तो वो जो चीज़ें रहती हैं बच्चों को ज़्यादा समझ में आती हैं, वो नॉलेज ज़्यादा स्टेबल रहता है उनके माइंड में। तो इसीलिए नवीन ज्ञान को पूर्व जो ज्ञान है उससे जोड़कर पढ़ाना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज अगर बच्चों का जो है उससे जोड़कर अगर नवीन ज्ञान हम देंगे बच्चों को तो वो ज़्यादा समझ में आएगी चीज़ें। तो इस तरीके से प्रस्तावना प्रश्न किया जाएगा पहले, कि बच्चों से आप पूछेंगे कि फसलें कहाँ बोई जाती हैं, तो बच्चे बताएंगे फसलें खेतों में बोई जाती है। फिर आप कहेंगे खेतों में कौन कार्य कौन करता है, फिर बच्चे कहेंगे खेतों में किसान कार्य करते हैं। फिर उसके बाद आप कहेंगे किसान खेतों में काम किन किन मौसम में करता है, तो बच्चे बताएंगे किसान सर्दी गर्मी वर्षा हर मौसम में काम करता है। फिर आप कहेंगे बिना किसी रुकावट का एहसास किए किसान द्वारा लगातार कार्य करते रहने के कारण हम उसको क्या कहेंगे। हो सकता है बता लें बच्चे, और ये भी हो सकता है कि बच्चे ना बता पाएँ। तो आपको यहाँ पर अपना टॉपिक स्टार्ट करना है, और शुरुआत में ही अपना टॉपिक आपको नहीं क्लास में बताना है कि आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहले आप प्रस्तावना प्रश्न करेंगे यानी उसका पूर्व ज्ञान जानेंगे, तो उसके बाद आप बच्चों को बताएंगे उद्देश्य कथन के रूप में। बच्चों से आप कहेंगे कि विद्यार्थियों या छात्रों या स्टूडेंट्स, आज हम इस विषय के अंतर्गत इस टॉपिक के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। इस तरीके से आप उद्देश्य कथन करेंगे। फिर उसके बाद आप क्लास में इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं हर एक चीज़ किस तरीके से कौन सा पॉइंट लिखना है। फिर गाइस उसके बाद है, ये भी आप उसके बाद लिखेंगे, इसमें श्यामपटकार है, जैसे श्यामपटकार आप यहाँ भी इस तरीके से ये चिपका सकते हैं। आपने जो भी वर्ड मीनिंग क्लास में बताया है, जैसे आप अगर कविता पढ़ाते हैं या पद्य पढ़ाते हैं तो उसमें बहुत सारे वर्ड ऐसे रहते हैं जिनका मीनिंग बच्चों को नहीं पता रहता है, तो उनका मीनिंग आप बोर्ड पर लिख सकते हैं और उसका भी यहाँ अपने फाइल में दिखा सकते हैं कि मैंने यहाँ बोर्ड का यूज किया है। फिर गाइस उसके बाद इस तरीके से आप लिखेंगे, ये भी वही है, भावानुभूत प्रश्न है, मौन वाचन है, फिर काव्य सौंदर्य अनुभूति है। फिर गाइस उसके बाद है, ये ब्लैक बोर्ड वर्क है, आप इस तरीके से ये चिपकाएंगे। फिर गाइस उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं श्यामपटकार है, निरीक्षण कार्य है, श्यामपटकार जो कि बाएं पेज पर अंकित है, तो इस तरीके से आप बाएं पेज पर ये चिपका देंगे। फिर गाइस उसके बाद है निरीक्षण कार्य, यानी बच्चों को पढ़ाते टाइम या जो भी मतलब ब्लैक बोर्ड वर्क है वो उतारते टाइम बच्चों को आप देखेंगे कि सभी बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, अच्छे से वो जो चीज़ें लिखनी है लिख रहे हैं कि नहीं, तो आप यहाँ पर इंस्पेक्शन करेंगे, निरीक्षण करेंगे। फिर गाइस उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न दिया जाएगा बच्चों को, टॉपिक को और ज़्यादा सहज सरल आसान बनाने के लिए, और लास्ट में गृह कार्य दिया जाता है।
तो गाइज इस तरीके से हिंदी का लेसन प्लान पद्य का बनाया जाता है। तो मुझे आशा है आप लोगों को आज का जो सेशन है या जो लेसन प्लान है बेहद समझ में आया होगा और बेहद पसंद भी आया होगा। अगर ऐसा होगा तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ सकें, समझ सकें और अच्छे से अपना लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकें। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।